यहाँ पर जो दिखाया गया सेकंड सेकेंड पोलर बॉडी इसी का ही होता है फर्स्ट पोलर बॉडी दिखाया गया है फर्स्ट सेकेंड से बना सेकेंड से, से थर्ड बना चाइल्ड बर्थ प्यूबर्टी के बाद ही होता है अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ के बारे में दिखाया गया है फोर्टी सिक्स सिंगल सिंगल आपके क्रोमोजोम होते हैं पेयर में ट्वेंटी थ्री होते हैं ठीक है अब है मेंस्ट्रुअल साइकिल द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्रिमिट करता है जैसे कि मंग के हो गए ह्यूमन बींगे कॉल द मैं इन सबको आते हैं द फर्स्ट अ प्यूबर्टी एंड कॉल मैनार्की ये आपके प्यबर्टी एज में आते हैं इन ह्यूमन फीमेल ह्यूमन के फीमेल के बॉडी में मैं इज रिपेटेड एट एन एवरेज इंटरनल एवरी मंथ ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी नाइन डे के बाद ही आता है एंड द साइकल ऑफ अ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द मैचूरेशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मैं साइकिल वन ओवम इज रिलीज जब मेन्चुर साइकिल आता है तो आपके ओवम रिलीज होते हैं ओबुलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ़ ईच मैंसुरल साइकिल बीच में ही ये रिलीज होते हो जाते हैं द मेजर ऑफ इवेंट मैंसुरल साइकिल आर शोइंग द फिगर अगर आप इसमें देखो तो आपको क्या बताया गया है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से यह है वेरियस इवन द आपके मैं मैंसुरल साइकिल का प्राइमरी हॉर्मोन है नीचे से देखो वन थ्री फाइव सेवन एट टेन एलेवन ऐसे करके ट्वेंटी नाइन या ट्वेंटी एट डे पे क्या होता है फिर से स्टार्ट हो जाता है सबसे मैंसुरेशन डे था ठीक है फॉलिकल फेज था जिसको आप प्रोली प्रोलीफरेटिव फेस भी कहते हो जो नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में है वो है आपका ल्यूट्रल फेज सेक्रेटरी फेज फिर आपका ट्वेंटी नाइन पे दिखा है नेक्स्ट साइकिल बिगिन इतने टाइम पीरियड के बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा इसीलिए वो नेक्स्ट लिखा हुआ है आपको ये क्लियर है ये दिन होते हैं बेसिकली जो आपको नीचे वाले ग्राफ में है ये है आपके यूट्रेस का इवेंट ये है हॉर्मोन का लेवल कैसे चेंज होते हैं आपके ओवेरियन इवेंट यहाँ पे हॉर्मोनल है एफ एस एच है एल एच है जो आपका रेड कलर से FSH, आ, FSH दिखाया गया है जो ब्लू कलर से वो एल एच दिखाया गया है डेवलपिंग ऑफ फॉलिकल साइकिल मेच्योर फॉलिकल होते हैं ओव्यूलेशन होता है डेवलपिंग होता है रीसाइकिंग होता है कॉर्पस होता है ये फिर बाहर आ जाता है यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन है आपका इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है

होता है किसी में थ्री डे किसी में फोर डे किसी में फाइव डे आपका मिनिमम टू डे का भी हो सकता है और ये सिक्स डे का भी हो सकता है लेकिन ऑन एवरेज हम देखते हैं तो थ्री टू फाइव डे होता है ठीक है तो किसी का ज़्यादा कम हो तो ये मैं सोचने यहाँ पे गलत है आपको जब ऑप्शन में आएगा तो ऐसे ही आपको और करके दिया जाता है क्योंकि हर एक बॉडी अलग होती है तो इसीलिए आपके टाइम पीरियड भी आपके मैंसुरल साइकिल का अलग अलग होता है पर आप एन को फॉलो करना थ्री टू फाइव डे दिया हुआ है आप नीट में भी ऐसे ही टिक करोगे द मैंसुअल फॉलो करता रिजल्ट ड्यू टू द्रेको मेटीरियलिंग ऑफ दूटर लिक्विड दैट कम दू लिक्विड होता है वजाइना से बाहर आता है मैं अगर इफ द रिलीज ओवन इज नॉट फर्टिलाइज जो ओवन है जो फर्टिलाइज नहीं होता है वो बॉडी से बाहर जा आ जाता है लैक ऑफ मैं भी इंड इंडिकेटिव प्रेगनेंसी अगर किसी को मैंसुल साइकिल नहीं आ रहा है तो मतलब वो प्रेगनेंसी के तरफ इशारा कर रहा है ठीक है इट मे ऑल्सो कॉज ड्यू टू द सम अदर अंडर लाइंग कॉज लाइक स्ट्रेस पुअर हेल्थ इस टाइम पे कैसा फील होता है बहुत ही हेल्थ अच्छा नहीं होता है हार्मोनल डिसबैलेंस uh, होता रहता है menstrual phase is follow the follicle phase during this phase the primary follicle in the ovary grow and become a fully mature graphene follicle and simultaneously the endometrium of a uterus regenerate through the poriferation peripheral, this change in the ovary and uterus are indicated by a change in the level of pituitary and ovarian hormone the secretion of a गोनेडो ड्रॉप ट्रौप ड्रॉपिंगस का जब सिक्रेशन होता है एल एच एन एफ एस एच इंक्रीज करता है ग्रेजुअली ड्यूरिंग